बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आइए चलिए आज का मज़ेदार सा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जी हमारे किचन में बन रहा है अरबी गोश्त और उसकी प्रिपरेशन मामा ने स्टार्ट कर दी है ये कुछ इस तरह से। अच्छा जी, आज की जो इस अरबी गोश्त की रेसिपी है वो बहुत ही आसान है। मामा ने प्याज टमाटर सारा कुछ काट लिया है और ये देखिए इसमें मामा ने गोश्त भी डाल दिया है। तो अब मामा क्या करेंगे इसमें? इसमें मैंने डालना है, अच्छा जी अब क्या डालने वाली हैं आप? इसमें डालने लगी हूँ प्याज। ठीक है, इसमें जाएगा जी प्याज। प्याज डाल के और लोग बॉयल कर लेते हैं, कोई तड़का डाल लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो ये कि मैं आज ये ना ज़रा थोड़ा न्यू तरीके से ना रेसिपी बना रही है। ठीक है जी, अब इसमें प्याज से लेके इनको ब्राउन करेंगे अच्छे से जी। साथ ही मसाले भी इसमें ऐड होंगे। नमक, ठीक है, नमक चला गया और हल्दी पाउडर चला गया, लाल मिर्च पाउडर चला गया। दो चम्मच, ठीक है, दो चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला भी चला गया। अब इनको अच्छे से भुनेंगे, है ना मम्मा? हम जी अरबी गोश्त बना रहे हैं। तो ये अरबी कट कर लिया है, उसको वॉश भी कर लिया है और साथ ये टमाटर हैं जो अभी इनके फ्राई होने के बाद बीच में जाएंगे। आज फाइनली हम अपनी कबर्ड साफ करेंगे। कबर्ड में इतना मेस फैला हुआ है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता किसके कपड़े कौन से हैं। तो आज फाइनली हम उसकी सही अच्छे से सफाई करेंगे, कपड़ों को अपनी अपनी जगह पर रखेंगे, हैंग हुए कपड़े भी और तह लगे हुए कपड़ों को दोनों को हम सही अच्छे से तह लगा कर रखेंगे। आज का ये भी दूसरा बड़ा मिशन है। अच्छा जी, अब ये देखिए भुन चुका है, अब इसमें जाएंगे टमाटर। ठीक है, ये टमाटर चले गए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले डाल के गोश्त को गला लिया था। हाँ जी, तो उसमें मुझे प्याज कम लग रहे थे, फिर मैंने कुछ और प्याज कट कर उसमें डाल दी है। तो ये कि अब मैंने मसाले डाल के अब मैंने उसमें टमाटर डाल दिए हैं। तो ये आसान से देखिए रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। अब इसमें टमाटर चले गए और ये है जी कुछ मसाले की फाइनल लुक। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने मसाला रेडी करना है। अब इसमें थोड़ी देर तक हम बीच में ये जो अरबी हमने वॉश करी रखी है ये भी डाल देंगे। चलें जी, अब बीच में अरबी भी हम डाल देंगे। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से जी इसको हमने सही अच्छे से भून लिया। चलें जी, ये देखिए सालन की कुछ फाइनल लुक। हमारा सालन रेडी हो चुका है अरबी गोश्त। अब इसमें जाएगा जी हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा सालन रेडी हो चुका है। इसकी देखिए आप लोग देखें, ये है इसकी फाइनल लुक जी। अब साथ साथ गर्मा गर्म फुलके भी बन रहे हैं, रोटी बना लेंगे साथ कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं। बेला कैसी हो आप? हाँ, आज बेला क्या कर रही है? माशाल्लाह बेला की अब तबीयत ठीक है बिल्कुल। देखें इसकी हरकतों से, इसकी मस्ती से लग रहा होगा कि ऐसे ही एक्टिव माशाल्लाह से हो चुकी है। बेला बिल्लू।
ये देखें जरा इसकी काम बेला चल चलें जी। ये देखिए हमारा लंच तैयार हो चुका है, अरबी गोश्त देखिए देखने में कितना मज़े का है, साथ सलाद रोटी और साथ चाय। चलें अब खाते हैं और फिर हमने अपने कबर्ड्स की सफाई भी करनी है, इसके बाद फिर हम सफाई करेंगे। पहला काम ये है कि हमने अपनी वार्डरोब सही करके रखनी है, काफ़ी मेस फैला हुआ था, सारों के कपड़े ख़राब हुए थे, जो अपने कपड़े निकालता था सारे मतलब बाकी कपड़े भी ख़राब कर देता था। सबसे पहले हम किसकी बारी है, भाई कपड़ों की। सबसे पहले हम भाई के कपड़े सही करके रखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये एक वार्डरोब है, ठीक है। वो तो हम सब के मतलब कपड़े हैं, वो सर्दियों के कपड़े हैं, उनको सेपरेट है, वो उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। उससे नीचे ये भाई की वार्डरोब है, ये मतलब ये वाला जो मतलब ये साइड है, ये मामा की साइड है, और ये सारे मतलब स्टॉलर सारे कपड़ों के जो हमारे पास जो कपड़े हैं, अगर उनमें से कोई दुपट्टा नहीं है तो हम इसमें से ले के हम कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी इस वार्डरोब की, इसमें तो बाकी सारे कपड़े वो दूसरे नहीं हैं, ये हैंग हुए कपड़े हैं। ये देखिए जैसे कि किसी बाहर आने जाने के लिए थोड़े से फैंसी, ठीक है। ये मेरा जैसे कि ड्रेस है, ठीक है, ये ब्लू वाला, ये भाई की जैकेट है, ये मामा का ड्रेस है, ये मेरा है, और ये भी ये भाई की जैकेट है, ठीक है। ये हैंग हुए कपड़े हैं, ये भी सेपरेट है, बाकी ये वाली जो प्लेस है ना ये सही है, हम इन जिसके साथ कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो दूसरी वाली है ना उसको हम सेट करेंगे, जो ये वाली है, ठीक है जी। उसी रूम में ये दूसरी अलमारी है, ठीक है, ये वो जो वुड वाली थी ना ये दूसरी है, ठीक है। इसमें मेरे और मेरी छोटी सिस्टर के होते हैं, देख लें कितने ख़राब हुए हैं कपड़े। ये भी मेरी है, ये भी मेरी प्लेस है, ये मेरी छोटी बहन की है, और उससे भी नीचे वाली छोटी बहन की है, ठीक है। ये ऊपर जो मेरे कपड़े हैं ना वो विंटर्स के हैं, वो थोड़े मोटे हैं, इसलिए वो इस मौसम में तो नहीं पहने जाते, इसलिए अभी इन दिनों मैं ये वाले सिर्फ कपड़े पहन रही हूँ। अभी जो बाकी हैं ना वो गंदे थे, वो भी धुल के आए हैं, तो अभी मैं उनको भी इसमें लगाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए बेला ये कहाँ चढ़कर बैठी हुई है, इसको पता नहीं बाहर क्या नज़र आ रहा है, देखी जा रही है, देखिए ज़रा अरे ये तो सोई हुई है। बेला सो रही हो आप, देखिए माशाल्लाह किस तरह सो रही है। ओके, आजकल इसे ये जगह बहुत पसंद आई हुई है, विंडो वाली, हम जहाँ पर भी हों ये यहाँ आके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और बाहर देखने लग जाती है। पाँच मिनट, ये दो कपड़े हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर के हैं फैंसी वाले, ठीक है, ये दो जोड़े हैं और एक ये वाइट जोड़ा है, इनको भी मैंने इधर हैंग करना है इस वाली अलमारी में, इस वाली साइड में मैंने इनको हैंग करना है, और बाकी इनको भी अभी सही करते हैं। क्या जी, चले मैं आपको एक ट्रांसिशन दिखाती हूँ अगर मुझसे हो पाई। टंटा ना जी, ये वाला जो भाई की प्लेस है ये ठीक हो गई है, ठीक है, ये भी मामा के जो थे ये भी सही हो गए हैं, और ये रहे जी मेरे, ठीक है, अभी छोटी सिस्टर के भी सही हो रहे हैं, ठीक है, उनके तय लगा के वो खुद रख देगी। और बाकी ये देखिए ये थोड़े से फैंसी जो हम बाहर आने जाने के लिए मैंने रखे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, और ये मतलब आम रूटीन में पहनने के लिए ठीक हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह ये अभी ऊपर सोई हुई थी और अभी ये नीचे आ गया, सोई हुई है। चलें जी, कुछ फाइनल इस तरह हो चुका है, ठीक है। फाइनली हम एक हफ्ते से करना कर रहे थे कि हम अपनी वार्डरोब साफ करेंगे, सही से उनको कपड़े सेट करके रखेंगे, तो फाइनली हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये भी कुछ इनको भी हमने सही हैंग करके गेन रखा है, ठीक है, ये भी हो गया है। और चलते हैं जी दूसरी कि अलमारी की तरफ, ये देखिए इसकी कुछ फाइनल ये लुक है, ये भी सेट हो चुकी है।
आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ये मेरा व्लॉग वार्डरोब क्लीनिंग का आपको कैसा लगा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलेंगे, नए व्लॉग में मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।